जय भीम, मी हंसिनी. सम्यक न्यूज लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे. पुढील बातम्या याप्रमाणे. आयडियल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी, नांदेड आणि लातूर, लीडर इन बायोलॉजी. फिनिक्स मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर सेंटर, शिवाजीनगर, नांदेड. जीवन रेड्डी जी, मधुयाक्षी गौड जी, कोमट रेड्डी ब्रदर्स, सार्वे सत्यनारायण जी, रेणुका चौधरी जी, सुरेश शेटकर जी, गदम प्रसाद जी, ताहिर बिन अहमद जी, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NHUI, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, भैया ये इनको ट्रांसलेशन करना है, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार. कुछ साल पहले तेलंगाना की जनता ने मिलकर एक सपना देखा था, एक नए प्रदेश का सपना, एक नए प्रकार से काम करने का सपना. तेलंगाना की जो मूवमेंट थी वो तीन चीजों की मूवमेंट थी. नीलू मतलब पानी, निदरू मतलब फंड, और नेमकालू मतलब नौकरी. और इन चीजों के लिए तेलंगाना के हर युवा, तेलंगाना के हर बुजुर्ग, तेलंगाना की हर माता और बहन के दिल में से आवाज निकली थी. और तेलंगाना को देने में कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बड़ा काम था. तो पिछले चुनाव में जब आपके चीफ मिनिस्टर KCR जी चुने गए तो आपका भरोसा उनके ऊपर था, और तेलंगाना के सब लोगों ने सोचा था कि एक नया सपना पूरा होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए सरकार चलेगी. और 5 साल होने वाले हैं और आपका जो सपना था, तेलंगाना का जो सपना था, वो अधूरा है, टूट गया. हमने सोचा था कि नया स्टेट बना है, पूरे देश को रास्ता दिखाएगा, देश के बाकी प्रदेश तेलंगाना की ओर देखेंगे और कहेंगे देखो तेलंगाना जैसा काम होना चाहिए. मगर 5 साल बाद तेलंगाना की जनता और देश की जनता इस बात को पहचानती है कि आपके चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है. एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स को रीडिजाइन करते हैं. BR अंबेडकर प्रणिता प्रोजेक्ट को का नाम बदल दिया और आज तक उस प्रोजेक्ट में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई. 3 एकड़ जमीन SC ST लोगों को देंगे. उन्होंने कहा था गरीबों को 2 बेडरूम का घर देंगे. उन्होंने कहा था KG से पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा देंगे मुफ्त में. उन्होंने कहा था हर घर को पीने का पानी देंगे. मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन वायदों में से उन्होंने क्या एक भी वायदा पूरा किया? वायदे पूरे नहीं किए, मगर क्या किया? एक परिवार का राज तेलंगाना में दिया, तेलंगाना को और तेलंगाना की जनता को कर्ज में डुबाया. तेलंगाना पर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है. तेलंगाना के हर परिवार पर 2,60,000 रुपए का कर्ज है. और आप सब लोग जो यहां हो, तेलंगाना के हर व्यक्ति पे 60,000 रुपए का कर्जा है. किसानों को पैसा नहीं दिया जाता, शिक्षा के लिए पैसा नहीं दिया जाता, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं दिया जाता, मगर KCR जी के घर के लिए 300 करोड़ रुपए दिया जा सकता है. उनके घर के लिए 300 करोड़ रुपए दिया जा सकता है, मगर निजामाबाद शुगर फैक्ट्री के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है. आज भी वो फैक्ट्री बंद पड़ी है, और जब चीफ मिनिस्टर बने थे उन्होंने कहा था 100 दिन के अंदर फैक्ट्री खुल जाएगी. चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि सेंटर पे दबाव डालकर वो टर्मरिक बोर्ड निजामाबाद में लाएंगे. 4 साल हो गए,
क्या नरेंद्र मोदी पर आपके चीफ मिनिस्टर ने दबाव डालकर यहाँ टर्मरिक बोर्ड खुलवाया? इधर ये भ्रष्टाचार करते हैं तो उधर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं, इधर ये प्रोजेक्ट की रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो उधर वो प्रोजेक्ट की रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। यूपीए सरकार ने वायुसेना के लिए राफेल हवाई जहाज खरीदने की बात की थी, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए विमान खरीदना था। यूपीए सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट की रिस्ट्रक्चरिंग की, सरकारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर उन्होंने अपने मित्र अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। और जैसे यहाँ केसीआर ने 38,000 करोड़ रुपए को 1,00,000 करोड़ रुपए का बनाया, वैसे वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने 526 करोड़ वाले हवाई जहाज को 1,600 करोड़ रुपए में खरीदा। तेलंगाना और हिंदुस्तान की जनता का 30,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने सीधा अपने मित्र अनिल अंबानी की जेब में डाला। चौकीदार ने चोरी करवा दी, मगर वही चौकीदार ना किसान का कर्जा माफ करता है, ना गरीबों की मदद करता है, ना युवाओं को रोजगार देने का काम करता है। और ये दोनों में मित्रता है, दोस्ती है। केसीआर बीजेपी की मदद तेलंगाना में कर रहा है, वो चाहते जहां भी बीजेपी कोई निर्णय लेती है केसीआर उनकी मदद करता है, उनके साथ खड़ा हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको लाइन में लगाया नोटबंदी की, आपके जेब में से पैसा निकालकर नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, अनिल अंबानी के जेब में डाला। पूरी दुनिया कहती है कि नोटबंदी से बेकार कोई प्रोग्राम नहीं है, दुनिया के सब इकोनॉमिस्ट कहते हैं नोटबंदी बिल्कुल फेल प्रोजेक्ट है, और केसीआर कहते हैं नोटबंदी बहुत बढ़िया चीज है। और पार्लियामेंट में केसीआर नरेंद्र मोदी जी का पूरा सपोर्ट करते हैं। और अब नरेंद्र मोदी जी की मदद करने में केसीआर जी के साथ एमआईएम भी लग गई है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के हर व्यक्ति के लिए लड़ सकती है। और आपका जो सपना है, जो कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया, उस सपने को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही पूरा कर सकती है। मैं जानता हूं कि यहां बहुत सारे लोग गल्फ में जाकर काम करते हैं, और जो गल्फ में रहते हैं उन्होंने तेलंगाना बनाने में मदद की, उनका भी हाथ था, तो उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और जो गल्फ में रहते हैं उनसे भी केसीआर जी ने धोखा किया, उनको भी कहा था कि 500 करोड़ रुपए उनकी मदद करने में देंगे और नहीं दिया, एक पैसा मदद नहीं की। और मैं यहां आपको आश्वासन देता हूं कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आएगी हम आपकी मदद करेंगे। मोदी जी ने, केसीआर जी ने आपसे बहुत लंबे लंबे वायदे किए, 15,00,000 रुपए हर बैंक अकाउंट में, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम, लिस्ट की लिस्ट दी आपको उन्होंने। मैं आपको झूठे वायदे करने नहीं आया हूं, जो मैं स्टेज से कहता हूं वो करके दिखाता हूं। झूठ सुनना है, झूठे वायदे सुनने हैं तो केसीआर जी और नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग में चले जाइए, एक के बाद एक आपको झूठ सुनाई देंगे। सच सुनना है तो यहां आइए। तो सबसे पहले, जैसे ही यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, 2,00,000 रुपए तक किसानों का कर्जा माफ होगा, और 4-5 किश्तों में नहीं होगा, एक बार होगा। और अगर आप कर्नाटका जाएंगे तो कर्नाटक में आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, क्या राहुल गांधी ने जो कहा था किसान का कर्जा माफ करने का, क्या वो हुआ, हां या ना, कर्नाटक का हर व्यक्ति आपको बता दे। और वो जो वहां हुआ था वो यही होने वाला है, किसान का कर्जा माफ होगा। दूसरी बात, जो कपास के किसान हैं, आपको 7,000 रुपए का रेट मिलेगा। और हमारा जो चीफ मिनिस्टर बनेगा, यो युवाओं को वो रोजगार देने का काम 24 घंटे में से 18 घंटे करेगा। आज 1,00,000 से ज्यादा सरकारी पोस्ट खाली हैं। केसीआर जी ने 4 साल में 10,000 पोस्ट भरे हैं। हमारा चीफ मिनिस्टर पहले साल के अंदर 1,00,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करेगा। जो बेरोजगार युवा हैं, उनको 3,000 रुपए का हम अलाउंस देंगे। हम चाहते हैं
की जो शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी तेलंगाना के प्रदेश को बनाने की, आपके सपने की, वो सपना पूरा हो। तेलंगाना के युवाओं ने सैक्रिफाइस किया था, अपना खून दिया, अपना पसीना दिया, अपनी जिंदगी दी, और आज जो हो रहा है वो उनके साथ धोखा है। हम उन सब का सपना पूरा करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर सपना पूरा करना चाहते हैं। और हम किसी एक परिवार की या कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं चलाना चाहते हैं, हम तेलंगाना की जनता, तेलंगाना के किसानों, तेलंगाना के मजदूरों, तेलंगाना की माताओं और बहनों, तेलंगाना के युवाओं की सरकार चलाना चाहते हैं, और हम सबको एक साथ जोड़ना चाहते हैं। हर धर्म के लोग को, हर जात के लोगों को, हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को एक साथ जोड़कर हम तेलंगाना को आगे ले जाना चाहते हैं। देश में जो नफरत फैलाई जा रही है उसे हम मिटाना चाहते हैं। मैं आप सबका दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप दूर दूर से आए, इतनी धूप में बाहर आए, मेरी बात सुनने आए। आपकी शक्ति ने यह प्रदेश बनाया और आपकी शक्ति ही इस सपने को पूरा कर सकती है। हम आपकी शक्ति की सरकार बनाना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। चेतुलेत्ते अंदरु कूडा जय राहुल गांधी, जय राहुल गांधी, जय राहुल। आता वेळ झाली आहे एका ब्रेकची, भेटूया लगेच। पाहत रहा सम्यक न्यूज लाइव। बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूबवर सबस्क्राइब करा।